बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपसे अपनी संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप सबको मालूम है कि बरसातों का सीज़न चल रहा है और इसकी वजह से जो है वो हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और मौसम की सूरत हाल ये है कि आज तो बारिश नहीं है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। मॉर्निंग रूटीन में पहले बच्चों को जो है वो जूते पहना के बाहर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद लाजमी बात है इतने छोटे बच्चे जो है वो अपने जूते खुद ही उतार लेते हैं। सो यहाँ से उनको बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं उनको बाहर की तरफ जाने देती हूँ। गलियों में अभी तक पानी भरा हुआ है, ड्रेन का सिस्टम अभी तक बहाल नहीं है, एक लेन साफ़ है और एक लेन में अभी तक हमारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी है। बादल आज बेहतर हैं, काले बादल नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज रात बारिश नहीं होगी क्योंकि पहले ही इतनी तबाही बारिश ने कर लिया। यहाँ पे चिकन डिफ्रॉस्ट कर लेते हैं और नाश्ते की तरफ चलते हैं। नाश्ते में हमने सिंपल नाश्ता रखा था आज और अंडे नहीं लिए थे, ऑमलेट नहीं लिया था। सो यहाँ पे मैंने पराठा बनाया देसी घी का और साथ में थोड़ा सा अचार, और वही जो है वो हमारा आज का ब्रेकफास्ट रहा है सबका। आपको पता है संडे रूटीन में जो है वो ब्रेड से ज़्यादा पराठा जो है वो ब्रेकफास्ट में लिया जाता है। मैं लेती हूँ चाय के बदले कॉफ़ी और ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, 3-in-1 होती है। सो ये इजी रहती है, टी मेकर में पानी गर्म हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपके पास वोल्टेज है या नहीं, हमारे यहाँ टी मेकर वोल्टेज के अकॉर्डिंग चलता है। सो ये काफ़ी ईजी रहती है हमारे लिए मॉर्निंग में और इंस्टेंट बूस्टर होती है। फ्रूट ड्रॉअर भी काफ़ी मैला हो चुका था तो मैंने कहा इसे भी साफ़ कर लेते हैं, और ये डिटैच होकर वॉश भी हो सकता है अगर आप करना चाहें, और क्लीन ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेरे पास नो फ्रॉस्ट फ्रिज है और इसकी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में आपसे शेयर करूँगी और डिफरेंस आपको ज़रूर उस वीडियो में पता चलेगा। दोबारा रिफ़िल कर लेते हैं जो सामान मैंने मंगवाया था। सीजनल फ्रूट हमेशा अपने बच्चों को और फैमिली को दिया करें, वही सबसे बेहतर रहता है। मेरे पास कॉमन भी यहाँ पे एप्पल, बनाना और जो है वो अनार ही है जो कि अभी सीज़न में हमारे पास चल रहे हैं। बच्चे जो है वो अभी तक बाहर खेल रहे हैं और इनको जो है वो यहाँ पर मैंने टॉयज़ भी रख के दे दिए हैं, सो ये यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। अब इनको जो है वो शावर दिलवा के चेंज करवा दिया है यहाँ पे, और एक दफ़ा आप बच्चों को छोड़ दिया करें वो अच्छे से जब खेल लिया करें तो उसके बाद आप उनको जो है वो चेंज करवाया करें। इस तरीके से वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और लाजमी बात है जब आप आउटडोर उनको छोड़ते हैं तो वो उन्होंने अपने कपड़े गंदे करने ही करने हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपी नंबर 1 शेयर कर रही हूँ। टींडे हैं, बहुत सिंपल बहुत अच्छी रेसिपी है। हाफ़ के जी टींडे लेके उसे अच्छे से वॉश करके और आप अनइवन उसे कट करके बॉईल करने के लिए रख दीजिए। उतना पानी ऐड कीजिए जितने में अच्छे से टेंडर हो जाए। आप इसे ढक्कन लगा के भी बॉईल करने के लिए रख सकते हैं और ये कुछ ही करीबन 10 से 15 मिनट में अच्छे से गल जाता है। मैंने इसे मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लिया। आपने हैंड मैशर लेना है जिससे पोटैटो मैश करते हैं, या स्पून या स्पैचुला की मदद से भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। एक दफ़ा अगर गल जाते हैं तो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब इसका तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए ये जो मसाले हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी क्वान्टिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर सरसों का तेल मैंने लिया है करीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और अगर आपने 1 kg टींडे पकाने हैं तो आपने ऑयल की क्वांटिटी इसकी डबल कर लेनी है। लहसुन है 1 tablespoon, वो आप इसमें ऐड करके अच्छे से पका लीजिए और सिर्फ लाइट गोल्डन होने तक पकाइएगा क्योंकि हमने इसको बर्न नहीं करना। बहुत वन मिनट के अंदर अंदर ये जो है वो तड़का तैयार हो जाता है। सारे स्पाइसेस ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने जो है इसको
टिंडो के अंदर ऐड कर लेना है और ये आपका तड़का तैयार है। इसके अंदर 1-2 टेबलस्पून मैंने इमली का पल्प ऐड कर लिया, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। हरे धनिया से गार्निश कीजिए और आप इसे चपाती, नान और राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब चलते हैं रेसिपी नंबर 2 की तरफ। बहुत सिंपल, बहुत ईजी रेसिपी है। 1 पॉट चिकन का नेम दिया है मैंने इसको। चिकन को इस तरीके से कट लगा के आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और जिस पैन में आप इसे पका रहे हैं उसी में डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, और सारे मसाले मैरिनेशन के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 लेमन जूस है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में मेरे पास यहाँ 1/2 कप दही है अच्छे से फेंट के, वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। और उसके बाद सिंपल घर के मसालों के साथ आपने इसे मैरिनेट करना है, जिसमें मैं ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी सबसे पहले। थोड़ा सा ऑयल आपने इसमें ऐड करना है और ये इसी में ही कुक हो जाएगा। सरप्राइजिंगली ये डिश हेल्दी भी है, आप इसे डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, गैस के लिए भी बना सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर, रेड चिली फ्लेक्स एंड पाउडर वो भी मैं 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है क्रश्ड, वो ऐड कर रही हूँ। धनिया है कुटा हुआ, वो भी 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वांटिटी इंशाल्लाह ज़रूर मेंशन कर दूँगी ताकि आपको आसानी हो। फूड कलर जो है वो पिंच इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसके कलर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा और भी आप इसमें मज़ीद फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैरिनेशन का टाइम ड्यूरेशन ये है कि आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर गेस्ट रात को आ रहे हैं तो मॉर्निंग में भी आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं या डायरेक्टली कुक भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत क्विक झटपट रेसिपी है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे मीडियम हीट पे आपने तब तक कुक करना है जब तक कि पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता। एंड में थोड़ा सा ऑयल निकलेगा, उस ऑयल पे आपने स्लो आंच पे 2 मिनट तक पकाना है और आपका चिकन रेडी है। सैलेड के साथ सर्व कीजिए, राइस चपाती के साथ सर्व कीजिए, बेस्ट रहता है। डाइट के लिए भी आप इसे अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, डाइट फूड में बहुत बेहतरीन रहता है ये। उसमें आपने दही की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लेनी है और चिकन एज पर अपनी डाइट की मॉडरेशन के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बात आ जाती है जब डाइट की, और साथ में हम सैलेड ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। हर घर में सिंपल सैलेड तो चलता ही है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं सैलेड किस तरीके से जो है वो कट करके फ्रिज में रखती हूँ। मेरे पास नो फ्रॉस्ट फ्रिज है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वो आप देखिएगा कितना फ़ायदेमंद रहता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि बर्फ़ चूँकि पानी रिलीज़ नहीं करती तो फ्रूट्स एंड वेजीज थोड़ा सा उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। खीरों के छिलके उतार के वो मैंने इस कंटेनर में ऐड कर दिए हैं। फिर शिमला मिर्च कट कर लिए, यहाँ पे मैं बंद गोभी उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। पहले कटर की मदद से उसे कट कर लूँगी, उसके बाद और मज़ीद छोटे पीस कर लूँगी ताकि खाने में आसानी हो, और वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। इस सैलेड में एक टिप है, वो आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने अनियंस तो रखे हुए हैं लेकिन मैं इस सैलेड में अभी अनियंस जो है वो ऐड नहीं करूँगी। आप वीडियो के अंदर देखें कि मेरे पास एक साइड में अलग से कंटेनर पड़ा हुआ है, उसी में मैं अनियन ऐड करूँगी। यहाँ पे टोमेटो के साइड एजेस मैं यूज़ करूँगी। सेंटर पल्प चूँकि पानी छोड़ देता है और सैलेड 1 से 2 दिन आराम से फ्रिज में अच्छे से रह जाता है, तो फिर यहाँ पे सेंटर पल्प आपने ऐड नहीं करना, साइड एजेस ऐड कीजिए, उसी से जो है वह है फ्रेशनेस रहती है। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए, और जो अनियन है उसको भी आपने बारीक बारीक ऐसे काट लेना है। पहले स्ट्रिप्स लगा लेनी है, फिर छोटे छोटे क्यूब्स में आपने उसे काट कर दूसरे अलग एयरटाइट कंटेनर में आपने उसको रखना है। मेरे पास शीशे का कंटेनर है, आप चाहें तो इसे प्लास्टिक में भी रख सकते हैं, बस एयरटाइट होना चाहिए ताकि आपके फ्रिज में स्मेल भी ना हो और ये अच्छा खासा फ्रेश रहता है। लेकिन आपने अनियन को ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करना। यहाँ पे सैलेड में मैं ऐड कर लूँगी अनार
और इसे लिड लगा के अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। जब भी आप खाएं, आप चाहें तो अनियन ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें जो चीज़ है मैंने ऐड किया, अगर आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, और मज़ीद अगर आप ऑलिव्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करूँगी, और यहाँ पे हम सिंपल तरीके से अपना डिनर कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई टिप्स हों वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।